हजार हेक्टेयर 1900 हेक्टेयर से ऊपर में हम बसावट का काम कर रहे हैं और इस बसावटी इलाके में विद्युत विभाग द्वारा पोल लगा करके लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है और वो अंतिम चरण में है। समस्त सेक्टर्स में मुख्य मार्गों पर लगाए जा चुके हैं, लाइटिंग की व्यवस्था हो चुकी है, सारे ऑफिसेज में लाइटिंग की व्यवस्था करीब करीब अंतिम चरण में है, संस्थाओं को भी दिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। तो और इस बार इस कुंभ मेला में कोई भी पारंपरिक लाइट नहीं है बल्कि नई एलईडी लाइट जो गवर्नमेंट की प्राथमिकता में भी है वो लगाई जा रही है। 40,000 से अधिक की संख्या में एलईडी लाइट लगाई जा रही है हमारी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नारा रहा कुंभ के आयोजन को लेकर, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ब्रांडिंग किया गया दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के नाम से। और हम आपको बता दें इस समय हम शास्त्री ब्रिज पर हैं जहां से मेला क्षेत्र का जो आकर्षण का केंद्र है वो सबसे ज्यादा रहा है लाइटिंग। आप देख सकते हैं आज मेला केंद्र में लाइट पूरी जल चुकी है और यहां से मेले का जो मनोरम दृश्य है वो देखने लायक है, क्योंकि जो दूर और देश और पूरी दुनिया से जो श्रद्धालु आएंगे वो मेले की सुंदरता और भव्यता देखने के लिए आते हैं और यहाँ के साधु संत महात्मा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, तो इसी के ध्यान को लेकर सारे कार्य किए गए हैं। और यहाँ से ये जो यहीं से ही दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से सारे अखाड़ा के जो बड़े बड़े पंडाल हैं, छोटे छोटे तंबू हैं, कल्पवासियों का रहना कलरफुल, पूरे जो रंग बिरंगी पूरी दुनिया जो बसेगी वो यहाँ से दिखना शुरू हो गए। आज से ही मेले की जो लाइट की शुरुआत हो चुकी है। ईटीवी भारत से सुमित यादव, प्रयागराज।